सानिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उससे कैसे मिली और मैं कैसे बच के आई हूँ। बची तो मैं सिर्फ आपकी वजह से। मैं सही बात बताती हूँ आपको। मैं एक एनिमल लवर हूँ, डॉग लवर। तो मेरे ऑफिस के नीचे वो लड़का काम करता था। मैंने उसको एक बार बोला कि तेरे ऑफिस के आसपास जो डॉग्स ने बच्चे दिए थे कि तू मुझे उनकी फोटोज भेज कि मैं इनको अडॉप्ट करवाऊंगी, कि ऐसे यहाँ पे इधर उधर किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए, काफी वहां पे ट्रैफिक होता है। तो उसने बोला ठीक है मैं भेज दूंगा, आप मुझे अपना नंबर दो। फर्स्ट टाइम मेरी जिंदगी में किसी मुसलमान लड़के से बात की। तो ठीक है, उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा, मैंने दे दिया उसको। तो उसने मुझे फोटोज वगैरह शेयर करी। तो वो मेरे स्टेटस देखता था, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाती हूँ मैं स्टेटस डाल देती हूँ, अब वो देखता था। तो जैसे तारीफ करते हैं लड़की को पटाने के लिए, वो सब करने लग गया। चलो ऐसे बात होती रही, दोस्त बने अच्छे। उसने मुझे अपने बर्थडे पे इनवाइट करा, उसने मुझे बोला कि आप मेरे बर्थडे पे आओ, मेरे सारे दोस्त आएंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करती हूँ। तो मैं उसके बर्थडे पे गई, बट कोई नहीं आया, कोई भी सिंगल बंदा नहीं आया। उसने बोला सिर्फ सबने ना कर दिया, आप आए हो, हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं दूर। तो मैंने सोचा हाँ चलो ठीक है, दोस्त है, जा तो सकते हैं, कोई वो तो है नहीं है। काफी दिन अच्छा चलता रहा, मतलब एक दूसरे के साथ जो भी था। अब उस बंदे को ये हो गया कि भाई उसने मुझे पहले तो ना मतलब कलमा पढ़ना सिखाया सबसे पहले। और मैं इतनी खुश हो, मतलब मेरे मन में भी उसके लिए प्यार हो गया कि भी मैंने इससे शादी करनी, कोई बात नहीं। मैंने उसको, मैंने खुद बोला उस बंदे को कि मैं तेरे लिए जल्दी प्यार भी हो गया आपको। मतलब मैं आपको शॉर्ट में सुना रही हूँ अपनी स्टोरी। अच्छा अच्छा, ओके, ऑफिस में बैठी हूँ। हाँ, तो मैंने उसको खुद बोला कि मैं तेरे लिए इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ, तुम मतलब मेरे से अच्छे से रही हो। तो उसने बोला हाँ ठीक है चलो। तो उसने अपनी भाभी से मेरी बात करवाई, उसकी भाभी मेरी तारीफ करी, कहती है तुम्हारे बारे में बात करता रहता है ये वो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस बंदे को साफ सीधी बात बोल दी कि तुम मुसलमान है, मेरे घर वाले तेरे लिए नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। और मुझे अगर कभी ऐसा लगा कि मुझे तुझसे शादी नहीं करनी चाहिए तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। इतनी बात हो रही थी हमारी। उसके बाद एक बार मैं कहीं गई, मतलब मैं एक्टिवा से कहीं गई और मैंने गलती से मैंने एक्टिवा की डिग्गी में चाबी बंद कर दी। तो मैंने उसको कॉल करके बुलाया, मैंने कहा ऐसे करके मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आ जाओ। वो आया बंदा, तो उसने मुझे देख लिया कि मैं किसी बच्चों से बात कर रही हूँ। तो उसने मुझे बुलाया, मैं उसके बोलने से नहीं गई। तो उसने मुझे एकदम बाल से पकड़ लिया, कहता तू आई क्यों नहीं है मेरे बोलने पर, जब मैंने तुझे बोला कि तू आई क्यों नहीं है। यार मैं इतने बंदों के सामने, उस बंदे ने मुझे इतनी जोर से चिल्लाया मेरे ऊपर, मैं उसे देखती रह गई कि ये ऐसा भी है। उस बंदे ने मुझे फर्स्ट टाइम सड़क पे मार मार के बेहोश कर दिया था। अच्छा, आज भी मेरी भूकंपती है वो चीजें सोच सोच के, कोई बंदा ऐसा कैसे हो सकता है। उसने पूरी मार्केट में ये नहीं देखा कि कोई खड़ा हुआ है पास, कोई क्या है। उसने मतलब मेरे ऊपर इतनी जोर जोर से हाथ उठाए। तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो गए, तो एक लड़की वहां पे जैसे मार्केट थी, तो एक केमिस्ट लड़की थी वहां पे, वो भाग के मेरे पास आई। उसने चेक करा तो उसने बोला कि बेहोश हो गया, क्या हुआ है। उसने मेरे मतलब हेलमेट इतनी जोर से मारे और मैं परेशान में देख रही थी, अरे ऐसा कैसे कोई बंदा कर सकता है। उसके बाद चल मैंने उसको बोला, मैंने उससे कॉन्टेक्ट खत्म कर दिया। उसके थोड़े दिन बाद उसके फिर मुझे मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि मेरे से गलती हो गई, तो मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मैंने यार पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, मैंने उसको माफ कर दिया। उसने ना मुझे ऐसा तक कर लिया था अपने साथ कि मैं उसके साथ भागने तक को तैयार हो गई थी। इतना प्यार मैंने उसको बच्चों जैसे करा है। 1 सेकेंड, हेलो, जी जी सुन रहे हम, बताइए आगे। हाँ, तो मैंने उसको इतना, एक बार पता नहीं मेरी किसी चीज को लेकर उससे लड़ाई होगी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तू मेरे सामने फालतू अल्लाह अल्लाह मत बोला कर, मुझे नहीं पसंद तू अल्लाह अल्लाह बोलते। क्या उसने यार मेरा गला पकड़ लिया, कहता आज तू ये चीज बोल रही, मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं वो चीज बोलूंगा, मैं राम राम नहीं बोलूंगा, मैं कुछ और नहीं बोलूंगा, मैं अपने इस्लाम को जानता हूँ। 1 सेकंड को यार, 1 सेकंड यार। मीनवाइल मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, खास करके जो खवातीन हैं, महिलाएं हैं, यार अब्दुल की चक्कर में मत फंसो यार,
अब्दुल एक ना एक दिन अपना रंग जरूर दिखाता है आपको, भले से ही पहले कितने भी वादे कर ले आपको, तो वो एक अलग टूर पे आपको लेके जाए कि आपको आजादी दूंगा, आपको ऐसा करूंगा, आपको वैसा करूंगा, सब धोखा है, ढकोसला है। बिल्कुल ना फंसे यार अब्दुल के चक्कर में, वरना जैसे ये आज रो रही है सानिया जी और कई, चलो ये तो फिर भी समझो निकल गई उस जंजाल से, लेकिन बहुत से लोग निकल नहीं पाते, बहुत से लोगों की मौत हो जाती है, बहुत से लोगों की मजबूरी हो जाती है उसी नर्क में जीने की, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, घर वाले भी छोड़ देते हैं, या फिर वो जो है अलग होके फिर मुश्किलों वाली जिंदगी जीना पड़ता है। तो क्यों पहले ही ये सब चक्करों में क्यों फंसना। जी सानिया जी आ गई आप। जी जी तो मैं वो बंदा ना मतलब मुझे इंप्रेस करने के लिए मैं साथ गुरुद्वारे भी गया 2-3 बार। मैं उसको बोलती थी कि मतलब मैं पंजाब से हूँ, सरदार फैमिली से। तो वो बंदा मेरे साथ गुरुद्वारे तक गया मेरे बर्थडे पे मुझे लेके। मुझे लगा यार इतना अच्छा लड़का मुसलमानों के गुरुद्वारे जा रहा है। मुझे बोलता तू जैसे जैसे करेगी मैं तुझे फॉलो करूंगा, मुझे पता नहीं है मैं कभी पहले गुरुद्वारे नहीं आया हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे मैं बैठी वैसे तू कर। उसके बाद उस बंदे ने जब हमें ये बता रही थी आपको कि मैंने उसको गुस्से में बोल दिया कि तुम मेरे सामने अल्लाह अल्लाह फालतू मत बोला कर, उसने मेरा गला पकड़ लिया कि मैं अल्लाह नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, मैं अल्लाह को मानता हूँ मैं उसको बोलूंगा और मेरे लिए सब ही सबसे ऊपर है। मेरा माइंड घूमा कि ऐसा क्या है जो ये बंदा मेरे इतनी बात बोलने पर मुझे जान तक मारने के लिए आ गया, कि कुछ तो होगा। तो मैंने थोड़ा बहुत सर्च करना स्टार्ट करा, मुझे आपका चैनल मिला तो मैंने सुना उसको काफी दिन में, सुनती रही। तो मैं उससे क्वेश्चन करती थी कि 9 साल की बच्ची से शादी क्यों करी है, लड़कियों को मतलब लेडीज को क्यों गुलाम बना के रखा गया, क्यों उनके साथ इतनी बदतमीजी, खेती बोला जा रहा है कि कुछ बोला जा रहा है। उस बंदे को मतलब 0% भी कुछ नहीं पता, अगर पता भी है तो मुझे नहीं बताया आज तक कुछ भी। तो मैं हमेशा से उसको उस मेरी आदत बन चुकी थी कि वो जब मुझे मैसेज करे मुझे फोन में फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है कि मैं क्या करती हूँ और उसको दिखाना है कि कहीं मैं किसी और से बात तो नहीं कर रही, ऐसे हो गई थी मेरी लाइफ। तो मैं हमेशा ना मेरा ये रहता था कि मैं ऑफिस में बैठू, मैंने तब भी आपको सुनते रहना, एडम सर को सुनते रहना। तो वो उसमें लिखा आता था उर्दू में लिखा आता था जो आपको लोग वो दिखाते हैं वो, और वो बंदा खुश होता था, मैं उसको भेजती थी कि देख ले मैं ये कर रही हूँ, वो बंदा खुश होता था कि शायद मैं उसके लिए कुरान पढ़ना सीख रही हूँ। ओके तो मैंने उसको एक बार, उसने आके मेरी मार्केट में एक, मैंने सोचा कि मैं उसको छोड़ देती हूँ, मैंने अपनी मार्केट में किसी लड़के के साथ बात करी कि इसको शायद ये हो जाएगा कि ये लड़की ठीक नहीं है, मैं किसी और से बात करती, लेकिन उस लड़के ने उस लड़के को भी मारा और मेरी एक्टिवर भी पूरी तोड़ दी और मतलब मुझे घर नहीं जाने दिया, इतना मुझे मारा उसने वहां पर भी। तब से मेरी मार्केट में मैं पूरी बदनाम हो गई थी कि हाँ कोई लड़का आया ऐसे ऐसे मारपीट कर गया, बस एक मेरी जान नहीं निकाली थी। और वही बंदा मुझे ना रूम में ले जाके उसने मुझे गर्म पानी से नहलाया और मतलब, लेकिन आपके साथ जब ये सब हरकत कर रहा था आपने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया, आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की, क्योंकि ये दूसरे बार आपके ऊपर वो हाथ उठा रहा था, तो आपने ये सब क्यों नहीं किया? जिन लोगों को लगता है ना झूठी कहानी है मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगी, मेरे साथ नहीं, नहीं। है, वो जैसे मुझे पता है आप कमेंट पे ध्यान ना दे, आप मुझसे बात कर रही है, कमेंट पे ध्यान नहीं दी ना दे, आप अपनी बात बताएं। मैंने आपसे एक सवाल किया है कि आपके ऊपर जब वो इस तरीके से मारपीट कर रहा था आपके साथ, आपने घर वालों को क्यों नहीं बताया और आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? घर वाले बाहर आना जाना बंद कर देते। ओके घर वाले घर से ना निकल नहीं देते और पीछे से इतनी सपोर्ट नहीं है कि हाँ मैं पुलिस के में या कुछ भी ऐसा करूं। वो बंदा बोलता पुलिस में भी तुझे जहां खड़ा करना कर दे, मैं किससे नहीं डरता। okay. मैं तो ये चीज चाहती हूँ कि मैं जिस चीज से निकली हूँ वहां कोई भी लड़की ना जाए, कभी भी ना जाए, इनके इनके तो परछाई से भी दूर रहे लड़की। ओके okay.
तो ये सब होने के बाद आपकी आंखें फिर कब खुली? वो लड़का मेरे साथ साथ इंस्टाग्राम पे हनी मेहरा के नाम से और गुरमीत सिंह के नाम से दो दो आइडिया बना के लड़कियों के साथ जब बातें कर रहा था, तब मेरी आंखें खुली कि नहीं है, मैंने इससे दूर चले ही जाना है। ओके। और आज भी मुझे सड़क पे चलती हूँ, मुझे डर लगता है कि कहीं से वो आके मुझे मार ना दे। वो बंदा ऐसा था, कहीं भी आके खड़ा हो जाता था और कैसे भी करके मेरे ऊपर हाथ उठा देता था। जितना मैंने बर्दाश्त किया है ना, मैं बता नहीं सकती किसी को। और मैंने कभी आज तक अपने घर पे शो नहीं करा, क्यों? मुझे पता है मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ और वो बर्दाश्त नहीं करेगी ये सब चीजें। सबसे पहले तो ये जरूरत है आज की, जितने लोग देख रहे हैं, अपने घर पे जो महिलाएं हैं, आपकी बेटियां हैं, आपकी बहनें हैं, उनको पहले से ही इन चीजों का बता के रखें कि उनकी लाइफ में अगर वो कॉलेज जाती है, क्लासेस जाती है, ऑफिस जाती है, तो कोई ना कोई अब्दुल हो सकता है उनको अप्रोच करे। ठीक है, तो आपने उनको पहले से ही बता के रखना है कि अगर अब्दुल अप्रोच करता है तो उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे 10 फीट की दूरी पर रखना है उस अब्दुल को, उसको बिल्कुल भी मौका नहीं देना है नजदीक आने का। ये चीज पहले से ही आप बता के रखें। दूसरी चीज के जो ऑलरेडी इस चीज में फंसी हुई है और ये इतनी सारी जो वाकया आप लोगों के सामने आता है, तो जरा समझ जाओ और होश में आ जाओ कि अब्दुल अभी आपको कितना भी प्यार कर रहा है, वो आगे जाके आपके साथ बुरा सलूक ही करेगा। यानी 99% अब्दुल जो है वो इसी तरीके से आपके साथ करने वाला है। तो अभी मौका है, निकल जाओ, अपने घर वालों को बताओ। ठीक है, आपके घर वाले थोड़ा बहुत आपको डांटेंगे, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आपको उससे निकलना है। अगर कोई अब्दुल आपको परेशान कर रहा है, अपने भाई को, अपने डैड को या अपनी माँ को बताओ उस बारे में। डरने से काम नहीं चलेगा, आगे जाके आपकी जिंदगी खत्म हो जाए, उससे बेहतर है कि आप अपने घर वालों को बताए और उसका कुछ सलूशन निकाले। तो ये एक सीख है जो लड़कियां यहाँ पर आके अपनी आपबीती बताती है, ये सीखने के लिए है, ये सबक लेने के लिए है कि इन चक्करों में नहीं फंसना है। और गलती यहाँ पे माँ बाप की भी है, भाइयों की भी है, कि वो अपने घर वालों को ये सारी चीजें बताते नहीं है, शर्मा के कि हम अपनी बहन से ये इस बारे में कैसे बात करें, हम अपनी बेटी से इस बारे में कैसे बात करें। ओ भाई, बाद में पछताने से अच्छा आप पहले उनको बता के रखो ना ये सारी चीजें, ताकि इसमें फंसे नहीं आपके घर की लड़कियां या लड़के। पहले से ही बता के रखो आप। तो खैर, फाइनली हुआ इनके साथ ये है कि ये इन्होंने जब हमारी वीडियोस देखी और काफी सारी वीडियोस देखी, तो इनके आंख खुली, इनको समझ में आया और ये अब पूरी तरीके से उस अब्दुल को अपनी जिंदगी से दफा कर चुकी है और अलग कर चुकी है। तो ये अब्दुल की चक्कर में नहीं है, ये इसका लास्ट स्टोरी का एंडिंग है। अच्छा, सानिया जी का लास्ट एंडिंग स्टोरी तो आपने बता दिया साहिल भाई, और सोनिया जी अभी अपने ऑफिस के काम में बिजी हो गई है, तो जैसा ही फ्री होगी तो इनको जरूर ऐड करना साहिल भाई।